सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार की दो दिवसीय मंत्रिमंडल का विस्तार मंगलवार को हो चुका है। मंगलवार को 18 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें से 9 बीजेपी खेमे से और 9 शिवसेना के वो बागी विधायक है जो आज एकनाथ शिंदे गुट में शामिल है। देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब फिर से एक बार एकनाथ शिंदे की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है। देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में महिलाओं को जगह ना मिलने के बाद से विपक्षी लगातार जो है एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और अब मुश्किलें फिर भी बढ़ रही है यहाँ पर एकनाथ शिंदे सरकार की। इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार का विलंब होने की वजह से भी विपक्षी के जो लोग थे वो हमलावर थे, और अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है लेकिन फिर भी ड्रामा जो है महाराष्ट्र में सियासी वो खत्म नहीं हुआ है। देखा जा रहा है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद महिलाओं के मुद्दे को लेकर फिर से बवाल मच रहा है कि आखिर आज के दौर में महिलाओं को मंत्रिमंडल विस्तार में एक भी जगह क्यों नहीं मिली। वहीं इस पूरे सवाल का जवाब अब देवेंद्र फडणवीस ने आकर सामने से दिया है। आपको बता दें कि पुणे में एक रैली को और सभा को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जल्द ही महिलाओं को भी भूमिका दी जाएगी मंत्रिमंडल में, और यहां पर विपक्षी दल जो है सिर्फ और सिर्फ इसका मुद्दा बना रहे हैं। यहां पर कहा गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि अभी ज्यादा हड़ बनाने की जरूरत नहीं है। जी हां, महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल में महिलाओं की भूमिका जो है वो जरूर सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही यहाँ पर विपक्ष पर उल्टा हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर शिवसेना की सरकार थी उस वक्त भी देखा गया था कि काफी समय तक सिर्फ 5 मंत्री शामिल थे मंत्रिमंडल विस्तार में और उसमें से भी कोई भी महिला नहीं थी। ऐसे में अब महिलाओं को लेकर जो आवाज आज शिवसेना उठा रही है, उन्हें कोई भी अधिकार नहीं है इस तरह के बयान करने की या आलोचना करने की। वहीं अब देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट में जो महिलाएं हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक है, वो कहीं ना कहीं नाराज है इस मंत्रिमंडल विस्तार से, और सवाल बार बार यही उठ रहा है कि आखिर एक भी महिला को जगह मंत्रिमंडल विस्तार में क्यों नहीं मिली। और अब भले ही तमाम सवालों का जवाब जरूर दे रहे हैं यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और यहाँ पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार, लेकिन उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो अब देखा जा रहा है कि विपक्षी दल इसका पूरा मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि जिस बात का यहाँ पर डर था कि यहाँ पर सरकार बिगड़ सकती है आने वाले समय में, क्या वो होगा? क्या महिलाओं के मुद्दे को लेकर फिर से एक बार मुश्किलें बढ़ने वाली है एकनाथ शिंदे गुट की और साथ ही यहाँ पर बीजेपी की? लेकिन जो वादा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे, जो दावे यहाँ पर एकनाथ शिंदे की सरकार कर रही है कि आने वाले समय में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित कराई जाएगी, क्या वो दावे सच होंगे आने वाले समय में? ये एक बड़ा सवाल है। आप किस पर क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।